हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूं, राइट। यानी आज मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। सिंपल कुछ चीजें आप खुद नोट करेंगे, कुछ हम यहां पर नोट करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर दिया हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको शुरुआत करें तो सबसे पहले जरूरी होता है मैग्नेट के बारे में जानना। मैग्नेट क्या है? कहते एक सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे एटसेट्रा सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, राइट। मैग्नेट हो गया, बाकी मैग्नेट की हिस्ट्री आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का एक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा को, ठीक है। यानी फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा सब्सटेंसेस, राइट। ये तो मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई जो हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है क्या? चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, इस बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। साइंटिस्ट ऑर्स्टेड से पहले भी एक साइंटिस्ट ने इस बारे में अपना पेपर प्रेजेंट किया था, लेकिन बहुत ज्यादा उसको पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई, राइट। साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बेसिस पर ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट यहां पर मैं दिखा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा, केवल समझिएगा और बाद में अपने नोट्स लिखिएगा। क्यों? ये केवल ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं इस बार, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। डायग्राम दे देंगे, करंट का डायरेक्शन बना देंगे, बताइए डिफ्लेक्शन किधर होगा। जब तक आप ये नहीं जानेंगे नहीं समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट देखिए, ये एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और मैं अगर कहूं एम पी क्यू एक वायर है और इसके ठीक नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दी गई है जिसका नॉर्थ ये है और साउथ ये है, दिखाई दे रहा होगा। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मैंने यहां पे जनरल डायरेक्शन बनाया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, राइट। एक्सपेरिमेंट ये सेल लगी हुई है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये की लगी हुई है, की ओपन है, यानी अभी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो निडल अपनी जगह बिल्कुल रेस्ट में है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में है, और ठीक इसके ऊपर एक वायर पी क्यू रखा गया है इस तरीके से सर्किट अटैच करके। अब किया क्या गया स्टूडेंट्स, इस की को ऑन किया गया और जैसे ही की को ऑन किया गया, ये प्लस है ये माइनस है, यानी करंट पी से क्यू की ओर फ्लो करेगी, यस, ठीक है। मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं पी क्यू, तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? टुवर्ड्स राइट। तो जैसे ही करंट ऑन हुई, ये मैग्नेटिक निडल जो नॉर्थ साउथ में थी फटाक से ऐसे ट्विस्ट हो गई, ये देखिए यहां दिखाई दे रहा है, यानी नॉर्थ पोल जो कि नॉर्थ की ओर था अब ये वेस्ट की ओर शिफ्ट कर जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं, वो तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी के ऊपर, अदरवाइज ये डिस्प्लेस हो गया टूवर्ड्स द वेस्ट, राइट। कब? जब ये निडल वायर, करंट कैरिंग वायर के नीचे है। ये पहला एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके टर्मिनल को चेंज किया,
यानी इस तरीके से। अब क्या होगा, अब तो करंट यूं फ्लो करेगी, पहले एंटी क्लॉक फ्लो कर रही थी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, यानी नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नेटिक निडल नीचे रखी हुई है। यस, तो क्या इफेक्ट हुआ, देखिए ये वायर हमारा है पी क्यू, ठीक, देखिए अब करंट इधर जा रही, वो पहले केस में करंट राइट साइड जा रही थी, अब करंट लेफ्ट साइड जा रही है। तो डायग्राम दिखा रहा है कि नॉर्थ पोल जो कि पहले वेस्ट की ओर शिफ्ट हो रहा था, इस करंट के केस में ये ईस्ट की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, यानी ये इधर शिफ्ट हो रहा था इस केस में और अब ये दूर की ओर शिफ्ट कर जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज होने से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। क्लियर, ये तो केस पहला केस है क्या कि जब वायर ऊपर है और मैग्नेटिक नीडल नीचे है। अब यही केस, डायग्राम नहीं बनाऊंगा ध्यान से रखना, अगर यही वायर मैग्नेट के नीचे होता, मैग्नेट के नीचे होता और करंट इस तरफ जा रही होती तो क्या होता, तब ये डिफ्लेक्शन दूर हो जाता। इसका अपोजिट, जैसे करंट का डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन बदल गया, ठीक वैसे ही अगर मैग्नेटिक नीडल ऊपर हो जाए और ये वायर नीचे हो जाए तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये आप देख लीजिए, जैसे कि नीडल ये रखी हुई है और वायर नीचे है और करंट यू फ्लो कर रही है, तो अब क्या होगा, पहले तो इधर गया था ना, अब ये इधर भागेगा, यानी इसका डिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, इट्स डिफ्लेक्शन विल बी नाउ लाइक दिस, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो करने से डायरेक्शन बदल रहा है, करंट डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जा रहा है, और ठीक इसी प्रकार से जब हम मैग्नेटिक नीडल को ऊपर और वायर को नीचे करेंगे भी करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस केस से अपोजिट हो जाएगा अगर वायर नीचे है, यानी डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा और यहां अगर वायर नीचे है तो डिफ्लेक्शन दूर हो जाएगा। क्लियर, दिस वॉज योर साइंटिस्ट और स्टेड एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने ये भी बताया थर्ड पार्ट करके ये भी, क्या कि अगर फ्लो करते ही करंट को स्टॉप कर दिए तो क्या होगा, करंट स्टॉप करते ही ये वापस पैरेलल नॉर्थ साउथ में आकर के रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं, तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है। वीडियो पॉज करिए, डायग्राम बना लीजिए, वन मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में सीधे डायरेक्शन दे देंगे, करंट फ्लो करे लेफ्ट, तो इनमें से कौन सा सही होगा, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है इस बार, इसलिए डायग्राम बना लीजिए और चारों स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऊपर के, नीचे के, लेफ्ट राइट डायरेक्शन के और न करंट फ्लो करने की स्थिति में। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको बायो सेवर्स लॉ, राइट, आपके ओरस्टेड ने बता दिया कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बायो सेवर्स ने इसका फॉर्मूला दिया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के स्मॉल सेक्शन की वजह से किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देखिए ये एक वायर है जिसको हम आर एस वायर का नाम दे दे रहे हैं और इसका स्मॉल सेक्शन है एक्स वाई, स्मॉल एलिमेंट, पूरा वायर नहीं लिया गया, यहां पर स्मॉल एलिमेंट लिया गया एक्स वाई, जिसका लेंथ कितना है डी एल, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहे हैं आई एम्पियर की, तो ये छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट है। अब कहते हैं इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। एक चीज और, करंट एलिमेंट और
पोजिशन वेक्टर आर के बीच का एंगल यहां पर थीटा दिया गया है। क्लियर, इतनी चीजें ठीक है ना। तो बायो सेवर्स ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये स्टेटमेंट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी विल बी क्या होगा, डी बी। इसको हम बोलते हैं अगर डी बी, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के प्रोपोर्शनल है। नंबर टू, डी बी प्रोपोर्शनल डी एल, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंड, प्रोपोर्शनल टू डी एल, ये लेंथ छोटी होगी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, लेंथ इसकी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर, पोजिशन वेक्टर, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज डी बी प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर। बायो सेवर्स पहली बार, ये दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बायो अलग सेवर अलग, दोनों साइंटिस्ट अलग अलग हैं, दो साइंटिस्ट के नाम पर, दोनों के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ये कंक्लूजन था, इसलिए इसको बायो सेवर्स ला बोला गया, राइट। अब इनको सबको कंबाइन करते हैं, डायग्राम यहां पर दिया गया है, अगर कंबाइन करते हैं तो डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट, ये बात समझ में आ गई। अभी आप देखो, मैं इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल, और आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं, इंटू आर साइन थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा आर क्यू, यहां पे आर है नहीं, मैंने आर किया और यहां मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया आर क्यू, और ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। क्लियर, यस। अब आप देखिए और एक चीज, क्या, अच्छा ये मैंने वेक्टर यहां लगा दिया, फिलहाल ये नॉर्मल कंडीशन है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और आई को ऐसे रख दीजिए डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, का मतलब डीएल क्रॉस आर एंड अपॉन आर क्यूब। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया, यानी बायो सेवर्स के रूल का मैग्नीट्यूड फॉर्म ये है, और ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म। इसमें कोई डाउट है नहीं, राइट, और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हियर, राइट, ओके। अब ये चीज समझ में आ गया, तो अब आप देखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। अब किधर होगा, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दीज ऑल द फिंगर शोज द पॉइंट एट विच वी वॉन्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, देन डायरेक्शन ऑफ प्रेसिंग बाय द पाम
विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, मैंने ऐसे ओपन किया और किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसे होगी, क्रॉस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। अगर आप कॉपी में करेंगे तो डाउनवर्ड, बोर्ड पे बैक साइड, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, बायो सेवर्स लॉ। अब स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस, कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10^-7। तो अभी क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू 10^-7 आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्म में या ऐसे चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, राइट। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए, डायग्राम बनाइए, स्टेटमेंट के साथ इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूं, बायो सेवर्स लॉ यानी मैग्नेटिक फील्ड और कूलम्स लॉ के बेसिस पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को कंपेयर करने जा रहा हूं सिमिलरिटी और डिफरेंस के साथ। देखिए पहली बात सिमिलरिटी देखिए, तो ये डी बी प्रोपोर्शनल 1/r² और यहां क्या है, डीई प्रोपोर्शनल 1/r². इसका मतलब दोनों डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं, राइट, ठीक बात है। ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई, और अगर इसका हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हुई है, डीएल क्या है, करंट एलिमेंट, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये डीबी जो है वेक्टर सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और डीई क्या है, डीक्यू, और डीक्यू, ये डीक्यू क्या है, स्केलर, चार्ज स्केलर है, तो यानी ये प्रोड्यूस हो रहा है स्केलर सोर्स की वजह से, राइट, यानी ये वेक्टर सोर्स की वजह से, करंट एलिमेंट डीएल की वजह से, और ये चार्ज यानी स्केलर सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा, आपने इसमें देखा था कि ये पॉइंट कोई सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट है, तो फील्ड इसको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है, ठीक है, पॉइंट और ये पॉइंट और सोर्स चार्ज को लाइन जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है। लेकिन यहां क्या होता है, करंट एलिमेंट लाइन और उसके परपेंडिकुलर, अभी मैंने बताया ना ये करंट इधर फ्लो कर रही, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये डिफरेंस है इसमें, राइट। तो सिमिलरिटी और डिफरेंस इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, राइट। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, सी स्पीड ऑफ लाइट, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा इसको डिराइव करते हैं। तो देखिए वी नो दैट, अभी आपने देखा म्यू नॉट बाय 4π इज इक्वल टू 10^-7, राइट, और आपको मालूम है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9×10^9, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 2/1, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाय 4π इज इक्वल टू 9×10^9
डिवाइडेड बाय 10^-7। अब ये 4π, ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ये हो जाएगा 1/μ0ε0। और 10^-7 ऊपर जाएगा तो 10^+7 हो जाएगा, तो दिस विल बी 9×10^9 = 16। इसको हम कर सकते हैं 3×10^8² और 3×10^8 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट c² = 1/μ0ε0, यानी c = 1/μ0ε0। क्लियर, बात समझ में आ गया। ये रिलेशन है μ0ε0 और c के बीच में। 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा करके कहीं से भी, राइट। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, ये लॉन्ग में है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर मेरा यहीं पर कंप्लीट, रिमेनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नोट कर लीजिए।